सिद्धार्थपुर में तबलो पे बजाए हाँ बो पे तबले यार होजे ना उन वेचारे के थोड़ो थोड़ो अचे पे उनके बिहारे पे जी जी उन जो टाइम अगते बद दो उन जो हाथ सुठो थियो एकड़े जी सत्संग लेडीज जो गाइंदो बजाइंदो बैठो हो एकड़ी माई उन मां के कुछ ई अचानक चयो अदि तुजो पुट धूल सुठो तो बजाए हाँ ये धूल ना ही तबलो है धूल भी से हो जाए ही बादशाह है कीर्तन जो बादशाह चे तुझे पुट धूल सुचो जाए तो माई गेड़ो वे जी दिमाग में पुट के सुबाने दे मना के छोरा तबलो न बजाए जाए छो जो माई मुखे चे वाज धूल तुझे मुड़ के वरी मुखे माई वरी ना तुझे चवन धूल वारे जी माए माई के चिंता लगी धूल वारे जी माँ हाने माँ ना करे थोड़े संगत जोरी बिहारे बटे में ना ये चिकतान हली पे उड़ो संगत जोरी बिहारे थोड़े माँ ना करे जितना निकले जी माँ उन्हें रग पकड़ी छोकरे के जेही तबलो न बजा तो चवा दी जेही संगत में छड़े न दी बियो कोई आए न जेही गाल कर के बुदाए जे तू दूर बजाए दे ना पोतो के छोकरी सुटी कौन मिलते एड़ी उन्हें रग पकड़े छोकरे दिन जहन में भेजियो तबलो ही छड़े हो छोकरी सुटी कौन मिलती दूलवारो असाय समाज में बस एतरी सोच हले थी जेको कम भगवान लिनो ए गुरु जे घर वारवा इनके भी मानो डिग्रेड कई बैठा अलग गुरु नानक जे घर में कोई कीर्तन करे कोई तबलो बजाए कोई बाजो बजाए तो कृपा है सतगुरु जी ए बियो तो कोई ते चढ़ी वेई रखाए हां गुरु नानक जे ते प्रसन्न थी नानो के कीर्तन जी दात बख्शियो पेंजी शादी ते भाई मर्दाने के गुरु नानक साहब कीर्तन दिनो साहब ने घोट जो बैठो बने चाहिए ना खुश थे साहब पूछ ले सा आज मर्दाना खिले जो तो महाराज ने ब्याह सब रूप मुके पंजे जाए थे ब्याह मना भला होया पर ये घोट थे ना रो मुके सोचो ही ना अजीब लगो था था गुरु नानक साहब घोट बैठो आते हो मर्दाने दिला अजीब गाल हुई सतगुरु जो लगा मांग मर्दाना छा खपे चलो अजे खुश हां चे सतगुरु जेको वणी दे न चई तवा घरो चे जे अज तू बादशाह ही दाता घोटा मां घोरा मत मुजी सोच थोड़ी आ मां कुछ घट घुरी वटा और तू कुछ घटी देण वारो जे और मुजो नुकसान थे इन को तू पान ले तो सुठो आ गुरु नानक साहब प्रसन्न थी कीर्तन नो भाई मर्दाने कीर्तन मर्दाना तू जिथे भई कीर्तन कंदे सारे दुनिया जो सुख तुने पेरण में होंदा ये सा पहली औकात रसो तो कुछ ही नहीं ये कीर्तन जे करे सा औकात गुरु नानक साहब जी कीर्तन जे करे और सतगुरु जी भलाई गरीब निवाज आ गुरु नानक जो घर जें ते वेर करे देर नहीं सो मुझे चवन जो मकसद आ पुट्टन जो दाता है सतगुरु जो घर पुट्टन जो ननकाना साहब सा बैठा से एकड़ी फैमिली आई मिठाई कड़ी दिनो भाई रजबीर सिंह के भाई विरा तो भाई रजबीर सिंह अचानक पूछो हालांकि वो बेधर्म जावे पूछो मिठाई क्यों ले आए भाई खुश थी करे चे पियो बार गड छोकरो भी गड चे साल थियन रुलता रहया से कोई दुआ कबूल न पी पर इन बाबे वट आया से गुजरल साल ही अचानक मतलब विजिट कर ये लिसन इतने दुआ घुरी आ से हिकड़ी साल बाद रब एड़ी मेर कर चली 19 साल दुआ कबूल दिया और मुझे घर पुट जावा तरे अजी शुक्रानो कणाए ननकाना साहब जी का तो चवण का मकसद आ सतगुरु जी देन में केड़ी देर है